हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा, कौन है? सर, कोई तख्त बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था और हमारे खेत पे मजार बना रखे उन्होंने। उन्होंने अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम उन्हीं के पास जाकर अर्जी लगाए। लड़ने का शौक है ना, तो पुरानी सरकार से लड़ो जिन्होंने कानून बनाया है और आपको एक जमीन का टुकड़ा है। तमिलनाडु में 20 गांव की जमीन और 1500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्त ने हथियार रखा है। तेरा भगवान अलग, तेरा अल्लाह अलग, तीसरे का कोर्ट अलग। क्या चल रहा है? ये तमाशा चल रहा है। इंसान को उसकी जड़ों से अलग कर दो, उसको खदेड़ दो, बर्बाद कर दो उसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा जमीन किसके पास होगी, बहुत सारे लोग कहेंगे अंबानी या फिर अडानी, बट नहीं, ये जवाब एकदम गलत है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास, यानी कि सरकार के पास। तो हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास आपको पता है? अगले जो दो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जानने के बाद आपके पैरों के तले से जमीन खिसकने वाली है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जमीन ओन करते हैं वो है कैथोलिक चर्च। जी हाँ, कैथोलिक चर्च। जो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन ओन करते हैं वो है वक्फ बोर्ड। जी हाँ, वक्फ बोर्ड। मतलब हमारे अगर सरकार को हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा लैंड ओन करते हैं कैथोलिक चर्च और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लैंड ओन करते हैं वक्फ बोर्ड। अंबानी अडानी, इनके सामने तो मच्छर के जैसे हैं। अंबानी अडानी के पास तो कुछ भी जमीन नहीं है इनके मुकाबले। और आज मैं आपको वक्फ बोर्ड के बारे में ही बताने वाला हूँ, कैथोलिक चर्च के बारे में कभी और बात करेंगे। वक्फ बोर्ड के पास आखिर इतना जमीन आया कैसे? वक्फ बोर्ड के पास इतने सारे पावर्स कैसे आए? वक्फ बोर्ड आखिर है क्या? और इसी के ऊपर एक मूवी रिलीज होने वाली है 16 फरवरी को, जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में A to Z चीजें बताई गई है। इस मूवी का जो टीजर है वो फिलहाल लॉन्च हो चुका है। इस मूवी में ये बताया गया है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपके जमीन को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। और एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के पास पहुंच गया, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जमीन का टुकड़ा है तमिलनाडु में 20 गांव की जमीन और 1500 साल पुराना जो मंदिर है ना, वो भी इसी तख्त ने हथियार रखा है। तेरा भगवान अलग, तेरा अल्लाह अलग, तीसरे का कोर्ट अलग। क्या चल रहा है? ये तमाशा चल रहा है। इंसान को उसकी जड़ों से। तो यह जो वक्फ बोर्ड है, इसकी शुरुआत हुई थी वक्फ सिस्टम से। अब ये जो वक्फ सिस्टम है वो आखिर होता क्या है? वक्फ सिस्टम का मतलब कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और वो चाहता है कि उसका कोई लैंड, उसकी कोई जमीन या फिर उसका कोई फ्लैट डोनेट करना चाहता है अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, या फिर वो अल्लाह को डोनेट करना चाहता है ताकि उसका इस्तेमाल मुस्लिम्स के लिए किया जाए, तो वो अपना जमीन या फिर वो अपना प्रॉपर्टी वो वक्फ को डोनेट कर देगा। अब ये जो वक्फ है, सॉरी नाम बोलने में ही मेरा जीव टेढ़ा हो जा रहा है थोड़ा, तो अगर मैं तोतला जाऊं तो माफ करना। तो ये जो वक्फ बोर्ड है वो क्या करेगी कि उस मुस्लिम व्यक्ति से उसकी जमीन ले लेगी और उसका केयर टेकर बन जाएगी। मतलब अब उस प्रॉपर्टी या फिर उस जमीन का जो इस्तेमाल है वो वक्फ बोर्ड वाले करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। हो सकता है कि वो वहाँ पे मदरसा बना दे, हो सकता है कि वो उसको नमाज पढ़ने के लिए कोई ग्राउंड बना दे, तो किसी भी चीज़ में वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी वक्फ के पास एक बार चला गया तो फिर वो हमेशा के लिए वक्फ का हो जाएगा, उससे वापस कोई भी नहीं ले सकता है, कोर्ट भी नहीं। तो उस जमीन के ऊपर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है। दिल्ली सल्तनत के समय पे जो इस्लामिक डायनेस्टीज थी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी और यही वो समय था जहां से धीरे धीरे वक्फ बड़ा हुआ। वक्फ के जो प्रॉपर्टीज थे वो इंडिया के अंदर बढ़ते ही चले गए और फिर वही बाद में जाकर ब्रिटिशर्स के साथ डिस्प्यूट हो जाता है। और इस कारण से वक्फ का ये जो मामला है ब्रिटिशर्स के सामने भी गया था। जब हमारा देश आजाद नहीं था तो 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स थे तो उस समय पे एक डिस्प्यूट हो जाता है वक्फ बोर्ड और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके बीच में। और इस कारण से जो वक्फ वाला मामला होता है वो चला जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जब जाता है तो वहाँ पे 4 जजेस होते हैं और ये जो 4 जजेस होते हैं उनको तब पता चलता है कि आखिर ये वक्फ है क्या, और उसके ऊपर उनका ये टिप्पणी करना होता है कि ये जो वक्फ है ये दुनिया का सबसे बेकार, घटिया और एक घातक चीज है और वक्फ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये जो जजमेंट सुनाया गया था वक्फ के ऊपर, इसको वक्फ ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्योंकि वक्फ के लिए एक स्पेशल एक्ट है जो कि है 1913 एक्ट, और इस कारण से वक्फ इंडिया के अंदर बच गया, वो इनवैलिड नहीं हुआ। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स चले जाते हैं और उसके बाद की कहानी आपको बताता हूँ। 1947 में जब हमारे इंडिया का पार्टीशन होता है और एक हिस्सा टूटकर पाकिस्तान बनता है, तो पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदूस थे, पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने उनके सारे जमीन को, उनके सारे प्रॉपर्टीज को लेकर उनको मुस्लिम्स में बांट दिया। लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम्स थे जो कि पाकिस्तान गए, उनके सारे जमीन और प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दिया गया। 1954 में एक वक्फ एक्ट पास होता है और ये पास किया जाता है नेहरू जी की गवर्नमेंट के द्वारा। और इस एक्ट के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है। वोट बैंक के चक्कर में पॉलिटिशियंस ने वक्फ बोर्ड को और ज्यादा पावर्स दे दिए।
और इसके बाद फिर 1995 में एक और एक्ट पास होता है। 1995 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, तो उस समय पे वक्फ एक्ट 1995 पास किया जाता है। और इसके बाद वक्फ बोर्ड के पास और ज्यादा पावर्स जाते हैं, इतने पावर्स कि इसको कोई ओवर रूल कर ही नहीं सकता। आप ये जानकर चौक जाओगे, दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में ऐसा कोई वक्फ एस्टैब्लिश्ड ही नहीं, ऐसा कोई वक्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन हमारा देश जहाँ पे कि सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे ऐसा वक्फ एग्जिस्ट करता है जो कि खास करके एक रिलीजन को पावर देने के लिए, बायसनेस के लिए बनाया गया है। ये साफ तौर के हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बाकी के रिलीजन है उन सब के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। अब ये जो वक्फ एक्ट 1995 है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सेक्शन 3 में यह है कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, यहाँ पे मैं मुस्लिम लॉ बोल रहा हूँ, इंडियन लॉ नहीं, हमारे देश के अंदर जो कानून चलता है वो कानून नहीं, मुस्लिम लॉ, उनका एक अलग कानून है। उस कानून के अकॉर्डिंग अगर मुस्लिम सोचते हैं कि वो सामने वाला जमीन मुस्लिम्स का होना चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब वक्फ बोर्ड के अंदर 7 लोगों की एक कमेटी होती है और ये जो 7 लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। अब अगर आर्टिकल 40 के बारे में आपको बताऊं तो हो सकता है कि आपका दिमाग का भेजा फ्राई हो जाए। ये आपकी जमीन है या वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये तय करेगा सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसके पास की जमीन का एक टुकड़ा है और वो मुस्लिम व्यक्ति उस जमीन के टुकड़े को बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अब वो मुस्लिम व्यक्ति उस जमीन के टुकड़े को बेच देता है किसी और व्यक्ति को जो कि नॉन मुस्लिम है। अब अगर मान लो कि आपने उस जमीन के टुकड़े को खरीद लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर वक्फ बोर्ड ये चाह जाए तो ये क्लेम कर सकता है कि जो जमीन आपने उस मुस्लिम व्यक्ति से खरीदी थी वो उसने पहले ही वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दिया था। तो अब जो जमीन आपकी होनी चाहिए थी अब वो चली जाएगी वक्फ के पास। और इसका सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि आप कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते हो क्योंकि कोर्ट के पास ये पावर ही है कि इस चीज को वो रूल कर सके। इसके लिए आपको जाना होगा वक्फ बोर्ड के पास और उनके सामने जाके आपको हाथ जोड़ने होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करना होगा कि ये जमीन आपने किसी और से खरीदी थी और वो जमीन वो आपको दे दे। तो क्या आपको लगता है कि वो जमीन आपको वो देने वाले हैं? नहीं। वक्फ का मतलब ही होता है कि वंस अ वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज अ वक्फ प्रॉपर्टी। और ये जो चीजें मैंने आपको समझाई ये तो बस कुछ ही चीजें हैं, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में भी बहुत सारी चीजें और भी आपको जाननी है। वक्फ बोर्ड ने कितने सारे लोगों का जमीन हड़पा है इसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा। अगर मैं आपको डेटा दिखाना शुरू करूंगा ना तो आप गिन नहीं पाओगे कैसे कितने केसेस दर्ज हैं। पूरा लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो बचा हुआ, ऐसा कोई, हर जगह से ऐसे केस आते ही रहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने उसका जमीन ले लिया, वक्फ बोर्ड ने उसका जमीन ले लिया। अभी कुछ समय पहले बेंगलोर के अंदर हुआ था कि बेंगलोर के अंदर जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने ये मना कर दिया कि जो शाही ईदगाह है वहां पे कोई भी हिंदू का कोई काम वगैरह नहीं हो सकता है। और ये जो वक्फ बोर्ड है ना, इसके बारे में बहुत कम ही ऐसे नॉन मुस्लिम्स होंगे जो जानते होंगे, जो जानते भी हैं उनको पूरा आइडिया नहीं है कि आखिर पूरा डिटेल क्या है। बाकी जब ये मूवी रिलीज होगा तो मैं जरूर देखने जाऊंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आखिर और कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में अभी तक हमारे इंडिया में किसी को पता नहीं है, जो लोगों के सामने नहीं आया। और आज के हमारे वीडियो का टारगेटेड लाइक है 15,000 लाइक, और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आप किस स्टेट और किस सिटी से आते हो। वो टॉप 5 कमेंट जिसपे सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं उनको हट दूंगा और एक को पिन भी कर सकता हूँ।